हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स एक तरह से वो मिक्स होता है जिसमें कि जो प्रोड्यूसर है या जो भी हमारा सेलर है, जो भी मार्केटर है, जो भी जिस चीज़ को बेच रहा है प्रोडक्ट या सर्विसेज को, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स, टूल्स या वेरिएबल्स यूज़ करता है जिससे कि वो किसी कस्टमर से इंटरेक्ट कर सके। मतलब जो भी वो इंटरेक्ट करने के लिए, जो भी उसमें ऐड कर रहा है कस्टमर से इंटरेक्शन करने के लिए, मतलब एक तरह कम्युनिकेशन करने के लिए, जो भी कुछ ऐड कर रहा है अपने प्रोडक्ट में, उसे बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। मतलब कि जो फर्म होती है वो ट्रांजेक्शन करना चाहती है किसी भी कस्टमर के साथ में, क्योंकि फर्म का फर्स्ट गोल होता है ट्रांजेक्शन करना किसी भी कस्टमर के साथ में, जिससे कि वो एक्सचेंज मैकेनिज्म हो सके और उनको प्रॉफिट अर्न कर सकें। और ट्रांजेक्शन करने के लिए फर्म को प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करना होता है, उसे डिज़ाइन करना होता है, पैक करना होता है, उसका नाम रखना होता है, प्राइस सोचना होता है, फिर उसे प्रमोट भी करना होता है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं, ये सारे इंक्लूड किए जाते हैं मार्केटिंग मिक्स में। ऑल दिस फंक्शंस आर कोर ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। मतलब कि डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, पैकेजिंग, नेमिंग या ब्रांडिंग इसको हम बोल सकते हैं, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो सारे फंक्शंस हैं, ये डिसीजंस हैं, ये आते हैं मार्केटिंग मिक्स में। अब मार्केटिंग मिक्स के चार एलिमेंट्स हैं, ये आपको लाइफ टाइम याद रखने पड़ेंगे, इसमें नॉर्मली इजीली याद भी हो जाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स को हम 4 P's के नाम से भी जान सकते हैं। 4 P's कैसे हैं? पहला है, वैसे मैंने P बना रखा है, D जैसा लग रहा होगा शायद से थोड़ा। 4 P's कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। ये 4 P हैं जो कि एक एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के। अब प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है कि क्या होता है। ये जो एलिमेंट है वो सिग्निफाई करता है कि टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट जो कि कस्टमर को ऑफर किया जा रहा है खरीदने के लिए, जिससे कि उसके नीड सेटिस्फाई हो सकती है। अब आप सोचेंगे मैं टेंजिबल और इनटेंजिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमने पढ़ा कि इनटेंजिबल नहीं होता है। तो इनटेंजिबल प्रोडक्ट वो होता है जो कि हम उसे बेच रहे हैं लेकिन उसे दिख नहीं रहे हैं। ऐसे ही सर्विस को भी हम इसमें यूज़ मतलब एक तरह कम इंक्लूड कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होता है कि एक तरह से ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो कि जैसे कि उनकी क्वालिटी है, कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होगी तो ज़्यादा अच्छा हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा, अगर डिज़ाइन कैसा है, पैकेजिंग कैसी है, ये सारे डिसीजन काउंट होते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारा कार है, मोबाइल है या फिर जो भी कोई हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी है, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका नाम सोचना, उसका डिज़ाइन करना और उसकी क्वालिटी के बारे में सोचना। क्योंकि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लोअर क्वालिटी का होगा, इन्फीरियर क्वालिटी का होगा, तो कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहेगा, या फिर उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा तो कोई उसे खरीदना नहीं चाहेगा, कोई अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा उसे उसके लिए, या फिर अगर उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा तो भी कोई खरीदना नहीं चाहेगा। एक डिसीजन और होता है इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। प्रोडक्ट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स अ पार्टिकुलर प्रोड्यूसर ऑफर्स टू द मार्केट। मतलब कि जैसे कुछ लोग, कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे भी होते हैं जो एक ही इंडस्ट्री के अंदर अंदर काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, जैसे मान लो कि TV भी बनाते हैं, मोबाइल्स भी बनाते हैं, कार या फ्रिज, AC सब कुछ बनाते हैं एक ही कंपनी के अंडर, तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट असोर्टमेंट। ये ध्यान रखना, कभी कभी शायद प्रैक्टिकल अगर आपका होगा तो वाइवा में भी ऐसा पूछा जा सकता है, और मैं तो पूछता रहूँगा अभी, और शायद 1 नंबर में भी आ सकता है। इसका एग्जांपल है कि जैसे कुछ फर्म होती है कि शुरू करती है अपने मार्केटिंग ऑपरेशंस एक सिंगल प्रोडक्ट से, और धीरे धीरे या बाद में अपने उस मार्केटिंग को एक्सपेंड कर लेती है, डाइवर्सिफाई कर लेती है। जैसे कि अगर वो कार बना रही थी अब पहले के पहले, अब धीरे धीरे वो कार के साथ साथ में मोबाइल, फ्रिज, AC, TV सब कुछ बनाने लग गई है, तो उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। मतलब कि एक कंपनी शुरू शुरू में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो एक्सपेंड कर रही है अपने आप को, डाइवर्सिफाई कर रही है, और बाद में वो इंट्रोड्यूस कर रही है मोर वेराइटीज़ ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और मोर लाइन्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। मोर लाइन का मतलब होता है कि एक लाइन से हट के दूसरी लाइन के प्रोडक्ट्स बनाना। जैसे TV के लिए एक फ्रिज है, वो एक अलग लाइन के प्रोडक्ट माना जाता है। अब है कंपोनेंट्स, हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। मेनली इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन आज हम एक ही करेंगे, ब्रांडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रांडिंग का मतलब होता है, वैसे ब्रांडिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ब्रांडिंग के बिना आपको मतलब बताने के बाद आपको समझाता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
ब्रांडिंग का मतलब होता है कि मार्केटर को एक नाम सोचना होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि अगर कोई ऐसा सोचो कि अगर आप ये सोचो कि जैसे अगर कुछ आपके सामने 15-16 साबुन रखे हुए हैं, आपको कोई एक ख़रीदना है, कुछ कोई पसंद भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी ठीक है, लेकिन आप उसे खरीदोगे कैसे जब आपको उसका नाम ही नहीं पता होगा? या तो सारे के सारे आपके सामने रखे हों और आप फिर एक आइडेंटिफाई कर लो तो वो हो, या फिर आपको नाम पता होना चाहिए। तो उस केस में ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ब्रांडिंग का मतलब होता है कि ब्रांडिंग में एक तरह से हम नाम रख रहे हैं अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का। अब दो तरह के नाम हम रख सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कंपनी के नाम से ही बिकते हैं, जैसे कि एप्पल 7, एप्पल 8, एप्पल 9 प्रो, रेडमी 7 प्रो, ये है जेनरिक नाम बोलते हैं हम इसको। जेनरिक नाम का मतलब होता है नेम ऑफ होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि पूरी कंपनी के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी के नाम से ही बिकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जेनरिक नाम, जेनरिक नेम। जैसे टॉयलेट सोप जो है वो एक तरह से जेनरिक नेम है, और लक्स है जो ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम का यहाँ पे मतलब क्या होगा कि हर एक प्रोडक्ट का नाम अपना अलग अलग है। जैसे आप सभी का नाम अपना अलग अलग है, मोहित है, तानिया है, मुस्कान है, ये आपका ब्रांड नेम है, ये आपकी अपनी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। तो इफ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय द जेनरिक नेम, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मार्केटर टू डिफ्रेंशिएट हिज प्रोडक्ट्स। अगर जो भी प्रोडक्ट है हमारा वो जेनरिक नेम के बेसिस पर बिकेगा तो मार्केटर को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि एक कंपनी में एक प्रोडक्ट नहीं बनता ना, बहुत सारे बनते हैं। अगर हम बोलो कि भाई कि एप्पल का ये फ़ोन दियो तो कोई क्या समझेगा कौन सा चाहिए इसको। तो उस केस में ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब ब्रांड का मतलब मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। ब्रांड कुछ भी हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, या कोई कलर भी हो सकता है, या कोई डिज़ाइन हो सकता है, जिसके बेसिस पे हम उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग गंजे होते हैं या कुछ लोग मोटे होते हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन अगर वो उनसे की जा सकती है, एक तरह से वो सिंबल के में भी काउंट हो सकता है। लेकिन हर इंसान का कुछ ना कुछ नाम होता है, वो एक तरह से उसकी ब्रांडिंग की गई है। जैसे कि अगर वो 100 लोग भी हैं तो 100 लोगों में से अगर एक को बुलाना है तो उसका नाम लेके बुलाया जा सके। ब्रांडिंग जो है एक तरह से सेलर को आइडेंटिफाई करने के लिए ही नहीं होती है, वो एक तरह से अपने प्रोडक्ट को कंपिटिटर के प्रोडक्ट से सुपीरियर बनाने के लिए भी होती है। एक नाम जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपका नाम ऐसा है कि कोई लेना ही नहीं चाहता तो आपका जो प्रोडक्ट है वो शायद बिकेगा भी नहीं। क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, और लेकिन नाम उसका अच्छा नहीं लग रहा है तो भी शायद कोई हो सकता कि ना खरीदे उसे। तो जो ब्रांडिंग होती है, ब्रांड नेम जो होता है, काफ़ी सोच समझ के ही सेट करना चाहिए, नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं उसे। क्योंकि ब्रांड नेम एक ऐसी चीज़ होती है जो लाइफ टाइम चलती है उस प्रोडक्ट के बारे में। अब जैसे कि आपका ही नाम है, मुस्कान है, तान्या, रश्मि, सुमित है, तो जो भी आपका नाम रखा गया ये आपके साथ लाइफ टाइम चलेगा। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि जहाँ पे भी आप जाओगे इससे ही आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर इन केस अगर आप ब्रांड नेम से हटके कोई काम करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपने किसी कोई फॉर्म भरा है उस पर आपका अगर नाम नहीं लिखा हुआ तो कोई आपको पहचानेगा नहीं कि ये काम आपने किया है। तो ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होती है प्रोडक्ट के बारे में। अभी हम बढ़ते हैं वेरियस आइटम्स रिलेटेड टू द ब्रांड। अब चार आइटम्स ऐसी हैं जो ब्रांड से रिलेटेड होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहला है ब्रांड। ब्रांड का मतलब जैसे हमने वो बताया कि क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सिंबल हो सकता है, नेम हो सकता है, डिज़ाइन भी हो सकता है, ये कलर भी हो सकता है। जैसे सर्फ एडिट बोला, ये नाम है प्रोडक्ट्स के, तो ये इनका ब्रांड है। ब्रांड नॉर्मली उसको भी बोलते हैं जो फेमस हो चुका होता है, तो उसको भी बोलते हैं ब्रांड। नॉर्मली ब्रांड का मतलब होता है खाली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीथिंग। अब ब्रांड नेम क्या होती है? ब्रांड नेम का मतलब होता है कि वो पार्ट ब्रांड का जो हम बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे सभी को पता है कि सिंबल्स या डिज़ाइंस हम बोल नहीं सकते हैं, खाली जानते ज़रूर है लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। वर्ड्स बोल सकते हैं, जैसे सर्फ है, डेटोल है, या सैमसंग भी है, वो हम नाम बोल सकते हैं। ऐसे सैमसंग एक तरह से देखा जाए तो जेनरिक नेम है, ब्रांड नेम नहीं है, तो उस तरीके से हम नाम बोल सकते हैं तो वो है ब्रांड नेम। फिर देखिए ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क वो पार्ट होता है ब्रांड का जो हम बोल नहीं सकते हैं लेकिन सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, खाली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रांड मार्क है तो कोई सिंबल ही होगा। जैसे पेप्सी की बोतल पे आपने रेड एंड ब्लू बोल का वो सिंबल देखा होगा गोल सा, या फिर
नाइक पे आपने टिक का निशान देखा होगा, मतलब राइट का निशान, एरो का निशान देखा होगा। मर्सिडीज़ पे आपने 4 स्टार्स देखे होंगे। तो ये उनके सिंबल्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये इस कंपनी की है, अगर उसका नाम ना भी लिखा हो तब भी। फिर लास्ट होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ब्रांड का वो पार्ट होता है जिसको लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है, कि उसके बाद में अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो कोई भी और बंदा पूरी दुनिया में उस नाम को यूज़ नहीं कर सकता है अपने प्रोडक्ट के साथ में। अगर कोई करता भी है तो उसके ऊपर आप इजीली लीगली केस कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी होती है ऐसे टाइम में, क्योंकि ट्रेडमार्क में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता है, उसका नाम कोई कॉपी नहीं कर सकता है, और कॉपी करेगा तो ट्रेडमार्क होगा, तो आप लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट में ले सकते हैं। फिर अब है क्वालिटीज़ और फीचर्स ऑफ गुड ब्रांड नेम, मतलब गुड ब्रांड नेम होने के क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर है कि शॉर्ट एंड सिंपल, जो कि हमारा ब्रांड नेम है, अगर हमने अच्छा बनाना है तो वो छोटा होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बोलते बोलते हमको ही सोचना लगे कि भाई क्या बोलेंगे, कोई हंसेगा, कोई सुन के क्या बोलेगा, तो हम उसका नाम लेना ही नहीं चाहिए। मतलब शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए बोलने में। जैसे कि लक्स है, सर्फ है, छोटे छोटे से नाम है, 3 3 4 4 लेटर, 5 5 6 लेटर्स के, तो ईजी रहते हैं। मतलब कि एक जो अच्छा ब्रांड नेम होता है वो छोटा होना चाहिए। जैसे आप सभी का नाम भी है, छोटा सा ही है। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो बहुत बड़े बड़े नाम मिलेंगे वहाँ पे, या फिर आप बहुत बड़े बड़े नाम मिलते हैं नॉर्मली आपको। अगर रशिया जाएंगे तो और बड़े नाम मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ पे ब्रांडिंग जो की गई है उनके अकॉर्डिंग की गई है, साउथ इंडिया में वहाँ की अकॉर्डिंग की गई है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो वो नाम याद ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन ब्रांड नेम एक ऐसी चीज़ ही होनी चाहिए जो याद भी हो सके, जो छोटा रहेगा तो याद भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इजी टू प्रोनाउंस। ईजी टू प्रोनाउंस का मतलब होता है कि जो हम इजीली बोल भी सकें, प्रोनाउंस कर सकें उसे। कोई कुछ कुछ ऐसे मैंने इसमें एग्जांपल ले भी रखा है, हाइंस एक टोमेटो सॉस की एक ब्रांड नेम है, तो हाइंस एक ऐसी चीज़ है जिसका हम ईजी, थोड़ा इतना ईजी वर्ड नहीं है, जैसे टोमेटो कैचअप हो गया या किसान सॉस हो गया, तो वो थोड़ा ईजी रहता है। लेकिन हाइंस जो ब्रांड है सबको सब है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हेजिटेट करते हैं कि भाई ये चीज़ मांगे अपने शॉप पर जाके कि मुझे हाइंस चाहिए। कुछ पहली बात तो कोई एक बारे में समझेगा भी नहीं। नाम थोड़ा यूनिक ज़रूर है जो फोर्थ फीचर भी है हमारा, लेकिन थोड़ा इजी टू प्रोनाउंस नहीं है, तो उस केस में ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े इग्नोर कर, ऐसे नाम जो है इग्नोर करने चाहिए। थर्ड है सजेस्टिव, जो कि हमारे जो प्रोडक्ट का नाम है वो सजेस्ट भी करता है कि जो उसके फीचर्स हैं उसके बारे में बताता है भी कि ये किस चीज़ के बारे में है। जैसे कि हाजमोला, हाजमोला से पता चलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ही है। जैसे कि इसका नाम भी हाजमोला है और इसके नाम से फीचर्स भी से पता चल रहा है कि भाई किस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है, जो कि तरह से उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन के बारे में सजेस्ट कर रहा है कि भाई किस काम के लिए ली जाती है और किस काम के लिए लेनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, जो कि हमारा नाम है यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, मतलब एक तरह से सबसे अलग ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि, वैसे तो ऐसा हो भी नहीं सकता, अगर उनके पास ट्रेडमार्क होगा तो आप किसी का नाम कॉपी भी नहीं कर सकते हो और उसके साथ मिलता जुलता नाम भी नहीं रख सकते हो। तो यूनिक का मतलब होता है कि अगर आपका नाम यूनिक होगा तभी आपको कोई आइडेंटिफिकेशन अलग से मिलेगी। अगर आपका नाम भी, जैसे कि अगर क्लास में 3 मुस्कान होंगी तो उसमें कोई यूनिक नहीं होगा ना। तो मैं अगर मान लो कि मुझे, मैंने बोला कि भाई मुस्कान से मुझे कुछ काम है, तो 3ों मुस्कान आ जाएंगी। तो उस केस में आपका जो नाम होता है सबसे यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब ये भी नहीं कि आपका कुछ नाम ऐसा हो जाए कि किसी को पता ही ना चले भी, या इजी टू प्रोनाउंस ना हो। अच्छा, अच्छी टाइम में कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं बच्चों के जो इजी नहीं है प्रोनाउंस करने हैं, लेकिन नाम यूनिक होते हैं। जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट में भी बताया कि इजी टू प्रोनाउंस भी होना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए। मतलब कि इजी टू प्रोनाउंस भी है ज़रूरी और यूनिक भी है ज़रूरी। फिर लास्ट पॉइंट है इसका, जो नाम है वो सेलेक्ट किया जाना चाहिए सभी मीनिंग्स को कंसिडर करके। जैसे एक ही वर्ड के अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग कल्चर्स में डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल, अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने और मेरे दोस्त ने कंपनी स्टार्ट की थी 2016 में या 17 में, 17 में शुरू की थी हमने जनवरी में। तो हम कंपनी का नाम रखने की सोच रहे थे, तो कंपनी का नाम जो है हमें ये तो पता है कि यूनिक होना चाहिए। हमने एक लैटिन वर्ड है ट्रैक्स, TREX, हमने उसका मतलब था ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर का मतलब होता है कि जो वॉरियर्स होते हैं जो कि एक तरह से अरीना में लड़ते हैं। हमने ट्रैक्स वर्ड उठा लिया
और हम जैसे कि दो थे पार्टनर्स, हम दो थे कंपनी में, तो हमने कंपनी का नाम रख दिया ट्विट ट्रैक्स। लेकिन हमारे पास 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ट्विटर कंपनी से नोटिस आ गया था कि भाई आप हमारा नाम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ट्विटर कंपनी का नाम है ट्विटर और हमारा था ट्विट ट्रैक्स, थोड़ा मिलता जुलता था। लेकिन हमको ये पता है ना कि भाई हमारा जो वर्ड है किसी उसका कोई मीनिंग नहीं है या कुछ है। लेकिन हम उस टाइम पे इतना ऐसा तक नहीं थे कि भाई इतना फाइनेंशियली स्टेब्लिश नहीं थे कि हम लीगल एक्शन के वेट करें कुछ भी करें, तो हमने अपना नाम चेंज कर लिया था। तो वो होता ट्रेडमार्क का पॉइंट कि भाई हमारा जो ट्रेडमार्क है, अगर उनके पास ट्रेडमार्क होता है तो वो लीगल प्रोटेक्शन है उनके नाम के लिए। उसी तरह से यहाँ पे भी है कि हमारा जो नाम है वो डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट कल्चर में उसका अलग अलग मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल भी ले रखा है, नोवा एग्जांपल ले रखा है जो कि एक अम्बेसडर कार का एक ब्रांड है और उसका मतलब है स्पेनिश में डज नॉट गो। तो ये नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक तरह से अगर कोई कार का अगर हम नाम रख रहे हैं और उसका नाम उसका मतलब बन रहा है कि डज नॉट गो, तो वो एक तरह से लॉजिकल नहीं बनता है। तो ये नाम हमें इग्नोर करने चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल यूज़ करना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, नाम सजेस्टिव होना चाहिए उसके फीचर्स के बारे में, यूनिक होना चाहिए और उसे डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट कल्चर में उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड नेम पे। एडवांटेजेस क्या होती है ब्रांड नेम की, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हेल्प टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये जैसे मैंने आपको बता ही चुका कि ब्रांड नेम से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं तो उसके बीच में से हम एक भी आराम से बिना कुछ मेहनत किए ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। अगर जैसे कि आप दोस्त के पास किसी चीज़ के पास जा रहे हैं कि वो बोले कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या कौन सी कोल्ड ड्रिंक मंगाएगा, तो वो कोई नाम लेके बोलता है कि भाई मैं तो ड्यू पी रहा हूँ। वो जो नाम है ना या ब्रांडिंग से जो नाम से जो उसकी पब्लिसिटी या एडवर्टाइजिंग हो रही है उसमें भी हेल्प करता है। जैसे अगर आप बोलोगे कि मैं तो डोमिनोज जा रहा हूँ, मैं पिज़्ज़ा हट जा रहा हूँ या मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, तो ब्रांड नेम का जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हो वो उसी तरह से एडवर्टाइजिंग भी हो रही है, क्योंकि जो सुनने वाला है उसके माइंड में भी स्ट्राइक कर रहा है कि भाई ये भी एक जगह है जहाँ पे जाना चाहिए, इनको जा सकते हैं। क्योंकि एडवर्टाइजिंग काम कैसे करती है, एक बार आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करती है, उसके बाद में अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप उसके कस्टमर रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट डिफरेंशियल प्राइसिंग। अगर हमारे एक ही कंपनी में 50 प्रोडक्ट्स बनते हैं और सभी का नाम अगर हम जेनरिक नेम यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में प्राइसिंग को डिफरेंशियल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी कंपनी में 50 प्रोडक्ट्स हैं, उनका कोई अलग अलग नाम नहीं है, तो वो किस बेस पे पहचानेगा हमारे प्रोडक्ट को। तो उस केस में अगर ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट का नाम अगर अलग अलग है, तो उस केस में हम डिफरेंशियल प्राइसिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट का प्राइस अलग रख सकते हैं। फिर इसका लास्ट पॉइंट है इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। अगर हमारी कंपनी में 50 प्रोडक्ट्स बनते हैं और हम 51वें प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो ब्रांड नेम के हेल्प से हम किसी भी टाइम पे नए प्रोडक्ट को इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में उसका नया नाम रख के। फिर है एडवांटेजेस टू द कस्टमर, कि कस्टमर को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ब्रांड नेम होने के। पहला है कि हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अपने प्रोडक्ट को। जैसे कि आपको पता ही कि भाई अगर कोई भीड़ हो और मैं कोई नाम लेता हूँ तो वो पर्सन जो है एकदम से रिएक्ट करेगा कि भाई मुझे बुलाया गया, तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ किसी भी प्रोडक्ट को। फिर नेक्स्ट है इंश्योर्स क्वालिटी, अगर ब्रांडिंग की गई है तो इसका मतलब है कि उसमें क्वालिटी भी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर आप बाज़ार जाओगे, रिलायंस फ्रेश जाओगे, किसी भी उसमें शॉपिंग मॉल में या शॉपिंग मॉल में तो नहीं कहूँगा, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे, आपने पढ़ रखा है डिपार्टमेंटल स्टोर और शॉपिंग मॉल में डिफरेंस क्या होता है, तो उसमें जाओगे ना कुछ, अगर आपने दाल वाले सेक्शन में जाओगे तो आपने नोट किया होगा कि कुछ ऐसी दाल भी होती है जो पैक्ड होती हैं, पैकेज्ड में मिलती हैं आपको, पैकेट में मिलती हैं, और कुछ जगह दाल ऐसी रखी होती है जो ओपन में रखी होती है, तो आप उसे जितना वेट में चाहें उसे पैक कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो खुली दाल होती है या खुले जो भी चीज़ें होती हैं उनकी ब्रांडिंग नहीं की गई है, और जो जिनकी ब्रांडिंग की गई है जैसे गुड लाइफ कंपनी है कि जितनी भी कंपनीज हैं, अब तो मुझे खाना बनाना आ गया तो मुझे इतनी ब्रांड से नाम पता चल चुका है, तो उस केस में उन्हें ब्रांडिंग की गई है तो उसे उनकी क्वालिटी इंश्योर होती है भाई एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। फिर जो लास्ट पॉइंट है वो है स्टेटस सिंबल। अगर मान लो कि मैं सोचूं कि भाई मैं खुली कोई चीज़ ले रहा हूँ, खुली कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे लगता है कि भाई ये तो ऐसा ही होगा, क्वालिटी का सामान खरीदता नहीं है, सस्ते पे जाता होगा। अगर मैं कुछ पैकेज आइटम ले रहा हूँ तो उससे थोड़ा मेंशन होता है कि भाई ये स्टेटस भी इसका अच्छा है,
अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है, इसको प्राइस की कोई फिक्र नहीं है, जो भी हो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स होना चाहिए। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा मार्केटिंग मिक्स के बारे में। मार्केटिंग मिक्स के बारे में बाद में हमने पढ़े चार एलिमेंट्स, जिसमें हमने पढ़े 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। फिर हमने पढ़ा प्रोडक्ट मिक्स के बारे में कि वो सारे एक्टिविटीज़, सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि एक सेलर या जो मार्केटर है वो इंक्लूड करता है अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए, जैसे कि नेमिंग हो गया, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्राइसिंग, डिज़ाइनिंग, ये सारे एलिमेंट जो होते हैं। फिर एक आता है हमारा प्राइस असॉर्टमेंट। प्राइस असॉर्टमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब एक ही कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं धीरे धीरे, तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। कंपोनेंट्स फिर हमने पढ़े, कंपोनेंट हमने आज एक ही पढ़ा है, ब्रांडिंग के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट का नाम अलग से रखते हैं, यूनिक होना चाहिए, आइडेंटिफाई किया जा सके जिससे हमारे प्रोडक्ट के बारे में। वो नाम भी हो सकता है, मतलब कि वर्ड भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है और डिज़ाइन भी हो सकता है। जैसे ओलंपिक्स का एक सिंबल है कि 5 जो रिंग्स हैं वो हम ओलंपिक्स का सिंबल माना गया है। फिर हमने पढ़ा ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क एंड ट्रेड मार्क। फिर हमने क्वालिटीज़ पढ़ी कि एक अच्छे ब्रांड नेम में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो कि एक शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, और अलग अलग लैंग्वेजेस में उसका नाम मतलब क्या क्या बनते हैं वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए। फिर हमने पढ़े लास्ट में एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं ब्रांड नेम के, कि वो एक तरह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, एडवर्टाइजिंग में हेल्प करता है। हम अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग नाम होंगे तो हम अलग अलग प्राइसिंग रख सकते हैं उनकी, और इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, अगर हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसका हम इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नए नाम के साथ में। फिर है क्वालिटी इंश्योर होती है और एक स्टेटस सिंबल बनता है। ये था अच्छा टॉपिक मार्केटिंग मिक्स एंड प्रोडक्ट मिक्स और उसके अंदर ब्रांडिंग। कल हम पढ़ेंगे पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बारे में। थैंक यू।